मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं आज जिस खबर से रूबरू करा रहा हूं, ये खबर नहीं, एक आम जनता से जुड़ी हुई बात कह सकते हैं। बात हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये बजट है। आज हमारी जो चर्चा हो रही है, बजट पे चर्चा हो रही है। चर्चा जो हम करने जा रहे हैं, विधायक होशियार सिंह हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं और राजनीतिक का अच्छा ज्ञान है। राजनीतिक का अच्छा ज्ञान हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जहां बजट की रूपरेखा रची जा रही है, बजट पेश किया जा रहा है, उस सभागार में भी विधायक जी बैठ के आ चुके हैं। वो जानते हैं कि बारीकियां जानते हैं कि बजट कैसे पेश किया जाता है और किन चीज़ों पर तैयारियां की जाती हैं और समाज से जुड़ी हुई बातें क्या क्या हो सकती हैं जिससे कि उनको लाभ मिल सके। तो आज हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे क्योंकि आमतौर से आप भी और हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबार के माध्यम से देख रहे हैं कि बजट की जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने आ चुकी हैं। नमस्कार विधायक जी, हम अपने कार्यक्रम बजट की चर्चा में आपका स्वागत करते हैं। जी जी जी, आई बोलिए साहब। अच्छा, हम जानना चाहते हैं कि आप भी सुबह से पेपर देख रहे होंगे, सुबह से पेपर पढ़ा होगा। जी जी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी बजट उत्तर प्रदेश सरकार पेश कर रही है। जी, ये बजट जो आम जनता से जुड़ा हुआ है, ये इसमें कितना लाभदायक है आम जनता के लिए? देखिए, बजट जो सरकार ने घोषणा की है कल, वो बजट बहुत लुभावना है और ज़मीन पे उतरेगा उसका असलियत पता लगेगा, असलियत क्या है। 22-23 का बजट हमने देखा है, जो 50% भी उसका खर्चा नहीं हुआ है। पता नहीं सरकार ने पैसा नहीं दिया है या अधिकारियों ने इसमें प्रकाश नहीं डाला है। तो ये बजट का जब एक्चुअल ज़मीन पर उतरेगा उसका असलियत पता लगेगा, बजट क्या है। बजट तो अभी लुभावना दिखाई दे रहा हमको, और जब एक्चुअल में ज़मीन पर आएगा उसका जब पता लगेगा असलियत क्या है। विधायक होशियार सिंह जी, पूर्व विधायक हैं, बता रहे हैं कि ये जो बजट है लुभावना बजट है, ये कोई बजट आम जनता से जुड़ा हुआ बजट नहीं है, ना ही उनको लाभ पहुंचाने वाला बजट है, ये होशियार सिंह जी का कहना है। क्योंकि जो बजट पेश हो रहा है, क्या अगर वाकई वो सही है तो कुछ हो सकता है। अच्छा, अब हम उन बजट के मेन बिंदुओं पर बात करेंगे जो सरकार रखने जा रही है और रख भी चुकी है लगभग। जैसे कहा जा रहा है ये जो बजट है उत्तर प्रदेश सरकार जो बजट पेश कर रही है, बुनियादी सुविधाओं के लिए बेहतर बताया जा रहा है इस बजट को। देखिए, बुनियादी सुविधा क्या कहेंगे, आम जनता, ये किसान हैं और नौजवान हैं। नौजवान का रोजगार छीन लिया सरकार ने, रोजगार के लिए सड़कों पर दौड़ रहा है बच्चा, पढ़ लिख के अपने घर बैठ रहा है। लाखों लाखों खर्च करने के बाद में घर रोजगार नाम की चीज़ नहीं है। जितनी वैकेंसी सरकार निकालती है, नकल के बहाने, किसी फर्जी ड्रामा के बहाने सरकार उनको रद्द कर देती है। कब क्या हुआ, कैसे हुआ, वो तो सरकार जानती है। उनके टाइम में ही जो नकल रोकी गई तो हम क्या जाने के, पेपर लीक हो गए तो हम क्या पता, हमें क्या पता है कि सरकार इसको रोजगार बेरोजगार लोगों को बेरोजगार बना दिया है। जब परेशान है, पढ़े लिखे लोग सड़कों पर घूम रहे हैं और आज नौकरी नाम की चीज़ नहीं है। अच्छा, अब हम इसी बजट पर दूसरा बिंदु लेके आए हैं, उस पर औद्योगिक कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कर रही है। देखिए, वो बहुत पहले घोषणा हो चुकी है कि सरकार सब मिटला रही है, इतने इतने उद्योग लगेंगे प्रदेश में। ये देखिए, आज से 15 वर्ष पहले जो घोषणा हुई थी हमारे जेवर के एयरपोर्ट बनने का, आज तक ज़मीन पर नहीं उतरा है। लोग परेशान हैं, जिनकी ज़मीन गई है उनके धन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, कोई विकास नाम की चीज़ नहीं है। अब ये 2024 को देख रहे हैं और 2024 में उड़ान भरने की तैयारी करेंगे। ये सब वोट की राजनीति है और बजट में कुछ भी नहीं है। विधायक जी कह रहे हैं कि जो केवल वोट की राजनीति का बजट है, ये आम जनता को लाभ पहुंचाने वाला बजट नहीं है। तीसरा सवाल हमारा, युवाओं के आपने रोजगार की बात करी, उसी को लेकर भी उन्होंने नए रास्ते खोलने की बात कर रहे हैं बजट। देखिए, ये नए रास्ते उन्होंने पहले भी घोषणा कर चुके हैं बार बार। आज तक टीचर्स की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, पुलिस की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। लोग तैयारी में जुट गए हैं, जिनकी तैयारी हुई थी दरोगा के लिए और पुलिस लाइन के लिए, उनकी वैकेंसी दोबारा कहीं किसी बहाने वो ख़त्म कर दी गई हैं। दोबारा फिर अप्लाई कर रहे हैं वो लोग और सड़कों पर दौड़ रहे हैं, अपने तैयारी कर रहे हैं। तो सरकार इस दर कोई ध्यान नहीं दे रही है, फर्जी मामला है, सब बेकार मामला है। अच्छा, जैसे शिक्षा के लिए भी नए पैकेज की बात कर रहे हैं, वो शिक्षा के लिए हम नया पैकेज ला रहे हैं। देखिए, शिक्षा का मामला जब से सरकार आई है, हर शिक्षा ऑनलाइन चल रही है और बच्चे कितने पढ़ रहे हैं आपको समझ रहे होंगे। ये जो नए नए पैकेज के 4G, 3G और 5G जो लाए हैं,
ये सारा चौपट हो गया मामला, देश बर्बाद हो गया, रोजगार बच्चे पढ़ नहीं रहे, उसी में लगे रहते हैं। तो जब तक ये इन पर ध्यान नहीं दिया गया, नए नए कॉलेजों में नई नई वैकेंसी नहीं आएंगी, तब तक कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। सरकार बिल्कुल नहीं देख रही है, सब घोषणा घोषणा है, बाकी कुछ होने वाला नहीं। विधायक जी का कहना है कि जो ये बात ठीक है कि शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जो शिक्षकों वहाँ पढ़ाने वाले हैं, कम से कम उनका भी तो पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि हमने यहाँ ऑनलाइन शिक्षा कर दी, मोबाइलों में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं और जो वहाँ पढ़ा रहे हैं वो इस काबिल नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ भी तो वैकेंसी के रास्ते खुले हुए हैं, वहाँ भी उनकी वैकेंसी को होना चाहिए। अच्छा, एक जो कृषि विकास दर को उच्चतम अंकों तक ले जाने की बात कह रही है, देखिए कृषि से किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हाँ, किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, या तो ये सरकार इनके बारे में जानती नहीं है, ये इन्होंने किसान की कभी किसानी की है ना, इन्होंने देखी है ना, ये जानते हैं इसके बारे में। किसान की आमदन इतने खर्चे महंगा हो गया है, खेती की पैदावार इतनी महंगी हो गई है कि उसको लाभकारी मूल्य दिलाना इसका इनकी समस्या अलग है। आज गन्ने का भुगतान नहीं किया, आज गन्ने का एक पैसा भी नहीं बढ़ाया इन्होंने, गन्ने का भुगतान तक नहीं किया। आज आलू की मिट्टी खराब हो गई है, क्या सुविधा, 200 रुपये की मतलब 250 रुपये क्विंटल आलू बिक रहा है, 300 रुपये क्विंटल आलू बिक रहा है, तो क्या सरकार देख रही है? चौपट हो गई सब जमीन, चौपट हो गई है, आवारा पशु कोई रोकथाम नहीं कर रहे हैं ये लोग, हैं सारे आवारा। जब तक आवारा पशुओं की रोकथाम नहीं हो, किसी खेती आगे नहीं बढ़ सकती। इन नकली दवाइयों का चल रहा मामला, सारे खेत में यूज आने वाली दवाइयाँ सब नकली हैं, और जिनके कीमत जो है दोगुनी तिगुनी चौगुनी हो गई है। जब तक सरकार नकली दवाइयाँ स्वयं अपने गोदाम नहीं खोलेगी, जब तक खुद इंट्रीज नहीं लगाएगी, खुद सप्लाई नहीं करेगी सरकार, ये प्राइवेट लोग नकली दवा बेच रहे हैं, इन पर कोई रोकथाम होने वाली नहीं है। विधायक जी का कहना है कि खेती में लागत ज़्यादा हो चुकी है, उपज कम हो चुकी है, नकली दवाइयाँ जो कंपनियाँ देखते हैं, हम भी खबर चलाते रहते हैं आमतौर से देखते हैं हम, बीच में भी हमने खदाना या चांदोक गांव में आलू की फसलें बोई थी लोगों ने, परंतु कीटनाशक या जो भी एक दवाई लगाई गई थी उसके कारण उनकी उपज नहीं हो पाई, नकली दवाई सब नकली दवाई के बारे में कहना। अच्छा, एक ये बता रहे हैं कि बजट समाज के हर तबके का बजट है, हर तबके की पूर्ति करेगा बजट। देखिए पत्रकार महोदय, जब तक किसान और नौजवान और शिक्षक और बच्चे को जब तक रोजगार, हर घर के बच्चे को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा और किसान की पैदावार नहीं बढ़ेगी, किसान के अच्छे मूल्य नहीं मिलेंगे, जब तक कोई तबका इस समाज में आगे नहीं बढ़ेगा। किसान जड़ है, देश की मूल जड़ है किसान, और उसका बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा, उसको रोजगार मिलेगा तो आबाद हो जाएगा और न बर्बाद हो जाएगा। विधायक जी का कहना है किसान बड़ी उम्मीद लगाए हुए बैठा था इस बजट से, लेकिन किसानों को कोई लाभ इस बजट से मिलने वाला नहीं है, ये कहना है। अच्छा, जैसे बजट में ये भी कहा गया है जो पेंशन, जो हम नए पेंशन धारक भी बना रहे हैं और पेंशन भी उन बढ़ाने की भी बात कह रहे हैं उसमें। देखिए पेंशन तो इन्होंने ख़त्म कर दी 2004 के बाद में, हैं ये चाहे इनका कोर्ट का फैसला हो या इनका फैसला हो तो ये जानते हैं अब। बाकी पेंशन जब जमीन पर उतराई जब पता लगेगा, इसलिए क्या इनका बनाएंगे, कैसे चलाएंगे, कैसे सबको देंगे, जो बेदरुक रुकी पेंशन देंगे या नहीं देंगे। आगे जब सारे रोजगार खत्म कर दिए, सरकारी रोजगार खत्म कर दिए, सब चीज़ को प्राइवेट में ले जा रहे हैं, तो कहाँ रहेगी पेंशन? अगर फैक्ट्री में हमारा बच्चा जॉब कर रहा है, दुर्घटना घट जाए उसके साथ में तो डेड बॉडी घर आ जाएगी, कोई फैक्ट्री सुविधा देने वाली नहीं है, प्राइवेट वाले लोग कोई सुविधा नहीं देते हैं। इसलिए सरकार ने सारे रोजगार खत्म कर दिए, सारी चीज़ को प्राइवेट में ले जा रही है, इसलिए यहाँ रोजगार खत्म कर दिए और आरक्षण भी खत्म कर दिए, तो एक पहलू के दो शिकार कर रहे हैं, रोजगार खत्म और आरक्षण खत्म, सरकार चूतिया बना रही है सबको। कह रहे हैं सरकार प्राइवेट पॉलिसी पे काम कर रही है, सब कुछ प्राइवेट किया जाए और जो गवर्नमेंट सरकारी सुविधाएं देने की बात है वो सरकार आम जन तक नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा, एक जो युवाओं के लिए खेलकूद की भी बात कह रही है कि हम खेलकूद के लिए नया आम खोलेंगे, नई स्टेडियम बनाएंगे, सारी चीज़ें भी कही गई बजट। स्टेडियम बना देंगे जब जमीन पर उतरेगा, जब पता लगेगा, अच्छी बात है बना देंगे जमीन तो ना, जब बनाएंगे जब पता लगेगा क्या सुविधा देंगे नौजवानों को, हम ही देख रहे हैं 24 का है चुनाव, 24 तक करेंगे ये करना है, 24 के बाद पता लग जाएगा क्या करेंगे। जैसे उन्होंने बिजली के मामले में एक वर्ष के लिए बिजली किसानों को सुविधा के देने का बात कही है, तो ये 24-27 तक करें बिजली,
और पता नहीं 24 के बाद फिर आप बढ़ा दें, हमें क्या पता लग रही है इस बात की। विधायक जी का कहना है, बाकी ये सही बात कह रहे नहीं रहे हैं कि साल दर साल बढ़ के बात हो रही है। जैसे आप 24 की बात हो कह रहे हैं कि बजट में 24 की बात हुई है कि 24 तक हम बढ़ा रहे हैं, उसके बाद फिर क्या होता है ये कहना चाह रहे हैं कि जब करना है तो फ्यूचर के बारे में क्यों ना सोचा जाए, एक साल के लिए क्यों सोचा जा रहा है, ये कहना है। अच्छा, एक हमारा 10वां सवाल है, लास्ट सवाल है, वो कह रहे हैं कि एक स्वास्थ्य के लिए जो एक नई चीज लेके आ रहे हैं, पंजीकरण कराएंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे। देखिए, पंजीकरण करा लें बहुत अच्छी बात है, उस पर फिर वही बात आ रही है। आज एक मरीज जहीराबाद का जो टीबी पेशेंट है, मथुरा गया है, 1000 रुपये रसीद कटी है। क्यों कटी है? 15 साल लड़की है वो, आज ही रसीद कटी है। आज मैं बता रहा हूँ आपको, जांच करवा लें। जो भी अभी कल परसों जहीराबाद दिखाई थी, उसका टेस्ट भी रिपोर्ट आ गई है आज, वो टीबी है उसको, और वहाँ पर 1000 की रसीद कटी है। 4-5 हज़ार की दवा महंगी बैठेगी, बट गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएगा? तो ये समझ में बात ना आइए कि क्या करेंगे एक्चुअली इस पर। जब तक जमीन पर नहीं उतरेंगे हम, देखेंगे नहीं। आयुष्मान कार्ड बने लोगों के, गरीब आदमी वंचित रहेगा, मालदा लोगों गरीब आयुष्मान कार्ड बने हैं, जो इलाज कराने में सक्षम है उनके आयुष्मान कार्ड बने, जो गरीब आदमी कमजोर है उसके कार्ड फेंक देते हैं। हमने देखा इस बात को, हैं, इसकी जांच करा लें पहले कि आयुष्मान कार्ड किन लोगों के बने हैं, उसी जाँच करा लें पहले, असली पता लग जाएगी। विधायक जी कह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड हो या जो भी सुविधाएं मिली हैं आवाज विकास से जुड़ी हुई हो, वो केवल उन्हीं लोगों को मिली है जिनकी उनको जरूरत नहीं है। आम जनमानस तक वो योजना ना ही तो पहुंच पा रही है, क्यों नहीं पहुंच पा रही, धरातल पर काम नहीं हो रहा, यही कहना है आपका? यही बात है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हमारी बातें हो चुकी, अब ऐसा क्या होना चाहिए था जो बजट में जो छूट गया है? देखिए, नंबर एक मैं ये कह रहा हूँ, ये कृषि प्रधान देश है, हमारा प्रदेश में खेती ही मेन चीज़ है, और खेती की जब तक पैदावार नहीं बढ़ेगी, खेती को सस्ती दवाई नहीं मिलेगी, सस्ती बिजली नहीं मिलेगी, सस्ते असली जो खाद बीज जो आज एक एक महीना दो दो महीना एक कट्टे के लिए सुबह शाम तक DAP और यूरिया के लिए खड़ा रहा आदमी, 500 रुपये का आदमी आता है, 400 रुपये का आदमी एक कट्टे के लिए 300 रुपये कीमत और खड़ा रहा सुबह शाम तक आदमी, DAP नहीं मिली, कट्टा नहीं मिला, किसान की पैदावार कैसे बढ़ेगी? नकली दवाई लगाएगा कैसे पैदावार बढ़ जाएगी, कैसे उपज बढ़ जाएगी? किसान की पैदावार बढ़े, उनके बच्चों को रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, शिक्षक नाम की चीज़ स्कूलों में नहीं है, चाहे इंटर कॉलेज ले लीजिए आप, प्राथमिक विद्यालय ले लीजिए आप, जूनियर हाई स्कूल ले लीजिए आप, 25% भी वहाँ पर नहीं है, तो सरकार खत्म कर रही है, रोजगार नहीं दे रही। अरे, अच्छी शिक्षा दे, देश के नौजवानों को शिक्षा मिले, रोजगार मिले, किसान की पैदावार बढ़ जाए, देश खुशहाल हो जाएगा अपने आप ही। विधायक जी कह रहे हैं कि हमारा जो देश है वो किसान प्रत किसानी किसानी से जुड़ा हुआ है, जब तक किसान खुशहाल किसान आबाद नहीं रहेगा तब तक देश इसी तरीके से जूझता रहेगा। और बजट पे हमारी चर्चा हुई, बजट पे बातें भी बताई उन्होंने, हमने ये भी जाना कि क्या चीज़ रह गई, क्योंकि आपने बजट सत्र देखा भी है जी, और बहस भी करी है वहाँ मुद्दों पर, आपने बताया कि जेवर जो बता रहे हैं कि जेवर अड्डा जो एक पुराने दो है पूर्व के समय से मांग है, हाँ, 20 साल से 20 साल से मांग बता रहे हैं, और वो भी अभी अधर में ही लटकी हुई। तो ये थे हमारे पूर्व विधायक होशियार सिंह जी, और हमने उनसे बजट के बारे में चर्चा की, क्योंकि बजट पेश होने वाला है, संभवतः पेश हो चुका है, क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या चीज़ें रह गई जो आनी चाहिए थी बजट में, और कुछ बात और बात ये है जो बाजार में हम के GST सरकार ले रही है, GST का मझाते मुद्दा है, एक रूप होना चाहिए GST का, एक मेन फैक्ट्री में GST लग जाए तो बाकी ये अब किसान व्यापारी जो छोटा दुकानदार है या बड़ा दुकानदार है वो किसान से तो उपभोक्ता से GST कट रही है, भ्रष्ट मेंटेन कोई नहीं कर रहा है, उपभोक्ता जेब से पैसा जा रहा है, सरकार जमा करवा रही है नहीं करवा रही है सरकार जानती है, कोई रजिस्टर मेंटेन नाम की चीज़ नहीं है, किसान से वो भोगता थे पैसा जा रहा है और लुट रहा है, हर चीज़ के दाम दुगने तिगने चौगने हो गए हैं, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। GST और महंगाई पर भी विधायक जी अपनी चर्चा करके बता रहे हैं कि GST जो एक बड़ी फैक्ट्री जहाँ से माल बनता है उन पर लगनी चाहिए,
जिससे कि छोटा जो दुकानदार, जो छोटा ये उपभोक्ता जो परेशान है, जो रजिस्टर्स भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कर यूँ नहीं पा रहे हैं कि वो भी सोचते हैं कि हमारा ऐसे तैसे काम चल जाए। तो ये थे हमारे विधायक पूर्व होशियार सिंह जी, उन्होंने हमसे बजट पे चर्चा की और आम जनता से बात की। आम जनता की अपनी बात और अपनी बातों को और बजट पे की जो बातें हैं वो आम जनता तक लाने की बात कही। चलिए हम इसी कार्यक्रम के साथ आपसे विदा लेते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को लिंक को सब्सक्राइब वे लिंक को शेयर ज़रूर करें जिससे कि हमारी और विधायक जी की बात उन आम जनमानस तक पहुँचे, उन बजट जो सत्र चल रहा है वहाँ तक भी पहुँचे ताकि उनकी बात को सुना जाए। चलिए नमस्कार, धन्यवाद आपका लाला।